हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स नॉट 40X एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के हॉटस्पॉट की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन के हॉटस्पॉट में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो सबसे पहले मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है आपके फोन में ना, ये फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन कर लेना है। अब देखिए इस ऐप में ना नीचे की साइड ऐप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको सिस्टम ऐप लिखा है ना, इसे टैप करना है। अब देखिए इस पेज में आप नीचे आएंगे ना, तो आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे क्लियर कैच का ये वाला ऑप्शन टैप करना है, तो ये कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब आपको बैक पेज पे जाना है, तो आपने जो एंड्रॉइड सिस्टम सिलेक्ट किया था ना, इसी के ठीक नीचे आपको ये एंड्रॉइड सिस्टम वेब व्यू का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अंदर भी ये स्टोरेज का ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर भी क्लियर कैच का ये वाला ऑप्शन टैप करना है, तो आपका ये कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड ये सिस्टम पे टैप करना है। अब यहाँ पर आपको सिस्टम अपडेट पे टैप करना है। अब इसमें आपको ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए आखिरी काम ये करना है कि मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। इसमें आपको नीचे की साइड ये सिस्टम पे टैप करना है। अब यहाँ पे रीसेट ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे आप टैप करेंगे, तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपके मोबाइल फोन का जो डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद मोबाइल फोन को रीसेट करना है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।